आरकेपी साइंस टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है चैप्टर 8 और क्लास 8 और क्वेश्चन नंबर 8, तीनों जो है 8 है। तो एक सवाल है जो बच्चों के द्वारा कहा गया कि इसमें सर हम लोग को जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे इसको सॉल्व करने में, तो इसको जो है सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करते हैं इसको। सवाल इस प्रकार है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे की उम्र का जो है 7 गुना था। सवाल है कि एक आदमी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब है कि 5 साल हम लोग बैक जाएंगे, जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बैक गए, तो 5 साल बैक जाएंगे और उसके बाद जो है कंपेरिजन करेंगे। लेकिन मान क्या लेते हैं, मानते हैं हम लोग लिखते हैं, चूँकि 7 गुना बेटे की उम्र का है तो जिसके गुना रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो किससे गुना है, हिज सन। तो मान लेते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी एक्स ईयर्स, उसके बेटे का उम्र जो है 7 जो है प्रेजेंट एज कितना मान लेते हैं, एक्स ईयर्स मान लेते हैं। अब कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स एगो सन्स एज कितना हो जाएगा, 5 साल पहले हो जाएगा एक्स माइनस 5 ईयर्स। उसके बाद है व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, चूंकि हम कह रहे हैं कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ही दोनों का तुलना करेंगे, तो व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, मैंस एज कितना होगा, मैंस एज कहा जा रहा है कि 7 गुना हो जाएगा, यानी कि जो बेटा का उम्र है उससे 7 गुना हो जाएगा, 7 × x − 5 हो गया। अब उसके बाद कहा जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि 5 साल बाद वह जो है अपने बेटे का जो है 3 गुना हो जाएगा। तो 5 साल बाद मतलब कहाँ से बाद, 5 साल बैक से बाद नहीं, प्रेजेंट से बाद। थोड़ा सा एक स्केल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्केल क्रिएट करते हैं। ये हो गया इस तरह से, ये मान लेते हैं कि ये जो है हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। ये तो टेंस हो गया, खैर कोई बात नहीं, टेंस भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पास्ट में क्या है कि पास्ट में जो बेटा का उम्र था वो, पहले प्रेजेंट से चलते हैं, प्रेजेंट में क्या था बेटा का उम्र, एक्स था, तो पास्ट में कितना हो गया, एक्स माइनस 5 हो गया। अब जो है उस व्यक्ति का उम्र जो है कितना था 5 साल पहले, ये 5 साल पहले का उम्र है, कितना है 7 × x − 5, यानी कितना हो जाएगा 7x − 35। ये 5 ईयर्स एगो मेंस की एज की बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले का जो है ये उम्र है 7x − 5। अब प्रेजेंट में क्या होगा, इसमें 5 साल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 + 5 करेंगे तो कितना चलाएगा, ये 7x − 30, ये जो है प्रेजेंट एज हुआ। और उसके बाद जो है फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 5 साल, 5 साल पहले का था और 5 साल बाद का है, ठीक ना। कहा जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, 5 साल बाद की बात। तो 5 साल बाद जो है बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा, और जो है इस आदमी का उम्र कितना हो जाएगा, 7x, इसमें प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, −25, ये आ गया। अब यहाँ हम लोग को तुलना करना, ये दोनों के बीच में तुलना करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, यहाँ तुलना करना है। तो क्या है कि पिताजी का उम्र कितना है 7x − 25 और बेटा का उम्र कितना है, ये एक्स प्लस 5, ये दोनों बराबर नहीं है, इसके ये बराबर नहीं, यहाँ कंडीशन है, कंडीशन लगाएंगे तो बराबर। कंडीशन क्या है कि व्यक्ति का उम्र जो है अपने बेटे का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना है, 3 गुना है तो इसका 3 गुना ये है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 गुना कर देंगे, अब दोनों बराबर हो गया और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x − 25 = 3x + 15। फिर क्या हो जाएगा, 7x − 3x = 15 + 25, ये हो जाएगा 4x = 40। अब यहाँ देखेंगे 4x = 40 हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, 40/4 = 10 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि
बेटा का उम्र कितना हो गया, बेटा का उम्र प्रेजेंट यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 10 हो गया। अब निकालना उस व्यक्ति का उम्र, मैंस एज, मैंस एज क्या हो जाएगा, 7x-30 है तो 7 × 10 और माइनस 30 तो 70 - 30 कितना हो गया, 40 ईयर्स। अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि बहुत टफ है लेकिन फिर भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमको। धन्यवाद।